क्वेश्चन नंबर 387 राजू बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 387 सर स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे मेरे प्रश्नों का बहुत लंबा और अच्छा उत्तर मिला है, बट मेरा एक जगह थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सब्सिडी को लेकर के। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की सब्सिडी पेंडिंग नहीं है। जितना मैं जानता हूँ, पिछले 2 साल से टी बोर्ड ने जो सेंक्शन लेटर देते थे वो रोक करके बैठे हैं, और इस तरह की कोई गाइडलाइंस मंत्रालय की तरफ से इशू नहीं है। मैं चाहता हूँ मंत्रालय एक बार इसको अच्छे से देख लें। सर, दार्जिलिंग चाय मतलब चाय उद्योग में एक अपनी शान रखता है, लेकिन आज समस्या ये है उसमें ग्रहण लगा हुआ है, वर्कर भी दुखी हैं और जो टी प्लांटर्स है वो भी बड़ी समस्या में है। मेन तो 2019 में सर मोदी जी की नेतृत्व में कोड ऑन लेबर करके जो श्रमिकों के हित में जो बिल पास हुआ था, आज तक वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूँ कि इस विषय में वो क्या कदम उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सप्लीमेंट्री में 2 विषय उठाए गए हैं। पहला विषय जो है वो सब्सिडीज को लेकर है। इसमें मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि टी बोर्ड की TDPS स्कीम है, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम को हमने 2021-22 से 25-26 तक जब कंटिन्यू किया तो इसमें हमें 967.78 क्रॉस इतना आउटले मिला, जिसमें जो 298.76 क्रॉस था वो सब्सिडीज के, पेंडिंग सब्सिडीज के क्लियरेंस के लिए था। उसमें एक जो ऑपरेशनल मोडालिटी है या जो स्कीम गाइडलाइंस है उसमें ये तय किया गया है कि जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर हो चुका है, जहां हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है या जहां हम एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, तो जहां एक इंस्टॉलमेंट हम दे चुके हैं उसको प्रायोरिटी पर रखते हुए, उसके बाद जहां हमने कोई इंस्टॉलमेंट दी नहीं दी है उसको सीक्वेंस में रखते हुए, जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू हुआ है, ये हमारा जो 298.76 करोड़ है इसमें सारी हम पेंडिंग लाइबिलिटीज को क्लियर करेंगे। और टी बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है कि जितने भी एलिजिबल केसेस हैं वो सारे केसेस में जो हमारे पेंडिंग ड्यूज थे हम उसको क्लियर कर चुके हैं, अभी किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर से संबंधित है। अध्यक्ष जी, जहाँ टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर की बात है, हमारे TDPS स्कीम में भी एक वेलफेयर कंपोनेंट होता है जिसके तहत हम धनराशि का, रकम का प्रावधान करते हैं, उसके माध्यम से हम ये काम करते हैं, जैसे उनकी एडुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है और तमाम हाउसिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन मोटे तौर से जो टी गार्डन वर्कर्स का वेलफेयर होता है वो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत गवर्न किया जाता है। अब ये हमारे 2 लेबर कोड में सब्ज्यूम हो चुका है, एक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है और दूसरा हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। इस कोड के संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हम एक गैजेट नोटिफिकेशन 2020 में कर चुके हैं, लेकिन इसको लागू करने में इससे संबंधित जो रूल है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की एक भूमिका है, क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो अभी जहाँ तक वेस्ट बंगाल की बात है, ये जो लेबर कोड से संबंधित रूल्स हैं वो वहाँ की राज्य सरकार को फ्रेम करने हैं, और हमारा मंत्रालय निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि इससे संबंधित रूल्स पर जो एक्शन लेना है सरकार को वो जल्द से जल्द ले। राजू विष्णु जी, धन्यवाद सर। जैसे ही ये लेबर कोड बिल लागू होता है तो हमारे श्रमिकों को कम से कम उनको मिनिमम वेज की गारंटी प्रदान करता है। सर, इसी तरह मेरा आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न है, जो 200 वर्ष से ज़्यादा समय से चाय बगान में जो श्रमिक रहते हैं उनका अपना घर है, उनका अपना मकान बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है उनका जमीन का पट्टा उनके पास नहीं है। और जितना मैं जानता हूँ शायद मंत्रालय ने भी कुछ पहल की है इस विषय को लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूँ कि पर्जा पट्टा इश्यूज़ को लेकर के केंद्र सरकार या मंत्रालय की तरफ से हम कोई कदम उठा रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, पर्जा पट्टा का जो विषय है इसे हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी पहले भी उठाते रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यही सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हो सकता है।
बंगाल के या किसी भी राज्य के जो एग्जिस्टिंग लैंड लॉज होते हैं उसके आधार पर वहाँ की सरकार को तय करना है कि जो टी ग्रोअर्स जो कल्टीवेट कर रहे हैं किसी लैंड को और बहुत समय से उनके पास है, उसके ओनरशिप राइट्स उन्हें देने हैं या नहीं देने हैं। हमने आपके अनुरोध पर पश्चिम बंगाल की सरकार को रिक्वेस्ट किया, दो बार उनसे हमने पत्र भेजा। 26 फरवरी 2021 को हमने पत्र भेजा और 6 सितंबर 2021 को, लेकिन ये निर्णय राज्य की सरकार नहीं लेना है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट।